नौकारसी तप सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक आहार पानी न लेना उसे नौकार से कहा जाता है नौकार से तो तीन दिन करनी ही चाहिए लेकिन हो सके हम पोर्शी करें एक प्रहर के लिए त्याग करें हो सके तो दो पोर्शी करें दो प्रहर के लिए त्याग कर सके हो सके तो एकाश न करें हो सके तो उपवास करें और फिर तो उपवास के आराधना में एक उपवास दो उपवास से लेकर आपको आठों ही दिन उपवास करने तो भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि तप ही परिश्रम का आभूषण होता है जैसे देह पर आभूषण से देह की अलग ही अलग ही सौंदर्यता दिखती है इसी प्रकार से परिषण में तप होता है तो वो परिषण का सौंदर्य होता है परूश्रम का आभूषण होता है आप ट्राई करो कि आप नौकारसी पोरसी कुछ न हो सके तो पूरे दिन में कुछ ना हो सके तो पूरे दिन में आप त्याग करते रहे आराधना करते रहे बीच बीच में चार चार पाँच पाँच छ छः घंटे का चौबीहार करते रहे जितना हो सके इतना बड़ी लोग के लिए शायद तपस्या अनुकूल रहती तो तीन घंटे का चौबीहार पाँच घंटे का चौबीहार आठ घंटे का चौबीहार बारह घंटे का चौबीहार करना ही जस है उसके लिए तो प्रदूषण प्रवादी राज में ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी आराधना हो सकती है